रुकते अगे मुक्तसर जिले में नौजवान की मौत मामले में कार्रवाई न होने तो पिंड वासी खासे भड़के हुए ने। पिंड पंगचड़ी वासियां ने SSP दफ्तर के बाहर धरना लगा दिता है। पंजाब सरकार ते पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमके नारेबाजी की है। मुक्तसर जिले में नौजवान की मौत मामले में कार्रवाई न होने तो ही यह पिंड वासी खासे रोस विच ने भड़के हुए ने। पिंड पंगचड़ी वासियां ने SSP दफ्तर के बाहर धरना जड़ा है वह लगा दिता है। नारेबाजी की जा रही है, रोस पाया जा रहा है पंजाब सरकार से पुलिस प्रशासन के खिलाफ। दस दी के लोगों का इल्जाम है कि पिंड में हरेआम चिट्टा विकदा है। पुलिस प्रशासन जड़ा है कोई कार्रवाई नहीं करता, जबरदस्ती चिट्टा दिते जान करके ही इस नौजवान की मौत की गल पिंड वासी करने। परिवार से पिंड वासियों चिट्टे के नाल जहरीली वस्तु दिते जान का भी शक है। दस दी के तस्वीर जिथे कि इतने सड़क से ही उन्होंने जाम लगा दिता, नारेबाजी जड़ी की है। पुलिस से इल्जाम ने कार्रवाई ना करने लैके इस मौके से ना सिर्फ पुलिस प्रशासन पलते बल्कि सरकार के खिलाफ भी रोस जाहिर करदे नारेबाजी की गई। मुक्तसर जिले दे विच घटना वापरी है जिथे कि नौजवान की मौत हुई है। पिंड पंगचड़ी वासियां ने SSP दफ्तर के बाहर इस नूं लैके हुण धरना लगाया ते इत्थे जम के नारेबाजी की है पंजाब सरकार ते पुलिस प्रशासन खिलाफ। और लगातार इल्जाम जिहड़े ने सिर्फ एक पासे की घटना नहीं है, पिंड वासी लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि शरेआम नशा विकदा और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। छोटा ब्रदर सी जी, वो तकरीबन 9:30 बजे घरों गया, ठीक है। उदू बाद दूजा गुरचरण सिंह के घर जा वड़िया, वो चिट्टा ही बेचते ते नाल जिदे ना उन्हें कुड़ी की लव मैरिज हुई, ठीक है। उनका उनका ब्रदर वो नाल सीगा, उन्होंने पता नहीं की किया की नहीं किया, उन्हें जहरीली चीज़ खवाई आ, ठीक है। उन्होंने पहला तो अंदर आपदे पाई रखा, ठीक है। जदों उन्हें झग झुग आने लग गई वो मूँह चो, फिर उन्होंने बाहर कढ़ के सिरता खून भी आने लग गया, ठीक है। बाद जिहड़ी कुड़ी ना पिंड च ही लव मैरिज हुई सी, उहदी बाद च उन्हां दे घरे चक के लै गए, ठीक है। उदू बाद उन्होंने घरे उत्थे पाई रख्या। तकरीबन 12:30 बजे असी पहुंचे हाँ, फिर उन्हें मुक्तसर लै गए हैं, उदों नूं डैड हो चुका सी। हाँ जी हाँ जी, मुंडा वेचदा गवांड साडे नाल प्रशासन तो भी उन्होंने 302 का परचा बनता, वो 302 का परचा कटिया जाए।